अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना अनूप खुराना आपके अपने चैनल काकू से। जैसा कि मध्य प्रदेश में राजनीति का दौर शुरू हो चुका है, प्रत्येक पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बात अगर मध्य प्रदेश के खंडवा की करें तो खंडवा में कांग्रेस से कुंदन मालवीय को अपना प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस द्वारा, और उनके प्रत्याशी बनाए जाने की चयन प्रक्रिया को लेकर जमकर विरोध हुआ था। लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है, पार्टी को और आला कमान को भी इसकी सूचना दी गई, लिखित में भी विरोध दर्ज कराया गया। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि सुनील आर्य चुनाव लड़े, और वो भी मजबूत दावेदार हैं। पिछले कई दशक से वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं और उनको टिकट ना मिलने पर समर्थक काफी नाराज हैं, और एक संयुक्त बैठक हुई थी, हमने आपको उसके संबंध में भी दिखाया था। लेकिन सोशल मीडिया पर एक मैसेज जमकर वायरल हो रहा है कि 26 तारीख को सुनील आर्य नामांकन दाखिल करने वाले हैं निर्दलीय तौर पर। आइए उन्हीं से जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है और उनका आगे प्लान क्या है, क्योंकि वो एक मजबूत दावेदार थे। समर्थकों का कहना है कि उनका सर्वे में नाम था, और अगर आज की डेट में भाजपा जैसी मजबूत पार्टी को, भाजपा के मजबूत गढ़ खंडवा में अगर कोई फाइट दे सकता है तो वो सुनील आर्य जैसे कार्यकर्ता दे सकते हैं। सुनील भाई, सबसे पहले तो आपका हम काकू में स्वागत करते हैं। अभी एक मैसेज सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है कि आप 26 तारीख को नामांकन दाखिल करने वाले हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो आगे का प्लान क्या है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपके चैनल पर बोलने का अवसर दिया। हाँ, मैं 26 तारीख को कांग्रेस की ओर से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ। दाखिल करने जा रहे हैं 26 तारीख को, तो कांग्रेस की ओर से, यानी क्या आपको पार्टी की तरफ से कोई इंडिकेशन आया है कि यहाँ पे प्रत्याशी बदला जा सकता है, और अगर नहीं बदला जाता उसी प्रत्याशी को पार्टी चुनाव लड़ाती है, तो आगे क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या और भी आपकी कोई प्लानिंग है? अभी मेरी निर्दलीय को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है, जो भी प्लानिंग होगी तो आपको अवगत में मीडिया साथियों को बिल्कुल अवगत कराऊंगा। अभी मैं कांग्रेस की ओर से नामांकन दाखिल करूंगा। हमारी कांग्रेस में जब तक बी फॉर्म कोई कैंडिडेट के पास नहीं आ पाता, जब तक तय नहीं हो पाता कि हमारा प्रत्याशी कौन है। और आज जो है आपको बता दें कि 4 प्रत्याशी कांग्रेस ने अपने बदले भी हैं, क्या खंडवा को लेकर किस तरह की आपके कान में चर्चा आ रही है, या सिर्फ आप खुद के बलबूते पे कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन के बाद ये निर्णय ले रहे हैं? मध्य प्रदेश के सारे मीडिया चैनलों पर चल रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के चैनलों पर चल रहा है कि 13 से 14 सीटों पर परिवर्तन कर सकते हैं। आज भी हमको जानकारी हुई कि 4 सीटों पर परिवर्तन किया है, हम उसी आशा से इस ओर देख रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको टिकट मिल गया, बाई चांस नहीं मिला तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब जरूर दीजिए। मैं इसका जवाब आपको बिल्कुल दूंगा, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, पूरी हमारी टीम वर्क, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि मेरी टीम का कोई भी आदमी मुझसे नाराज हो। हम कांग्रेस के सच्चे जो सिपाही लोग हैं, हम तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी पार्टी हमको मौका दे। ये है सुनील आर्य, जिनका स्पष्ट कहना है कि हम कांग्रेस के पक्के सिपाही हैं, कांग्रेस की तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जैसा इनके समर्थक कहेंगे वैसा ये निर्णय लेंगे, और जो भी निर्णय होगा वो आप सबके सामने होगा। सुनील भाई, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं।